हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ध्यान कॉमर्स, द की ऑफ सक्सेस। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड प्रेस बेल आइकॉन फॉर नोटिफिकेशंस। थैंक यू। जय माता जी स्टूडेंट्स। बच्चों, आगे वाले दो लेक्चर्स में हमने 2022 के पेपर के क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। अब जो बच्चों क्वेश्चन 3 है, उसमें 3A जो है, जो कि क्वेश्चन थियोरी का पूछ लिया था, होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर का मीनिंग एंड उसका कंस्ट्रक्शन पूछा गया था, जो कि बहुत ही कम यानी ऑलमोस्ट ये पहली बार पूछा गया था। तो उसके अलावा बाकी नॉर्मल क्वेश्चंस थियोरी के बच्चों इस एग्जाम में आपको ध्यान रखने हैं, जिसमें मीनिंग एंड यूजेज ऑफ इंडेक्स नंबर खास ध्यान रखना है। उसके बाद मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग इंडेक्स नंबर वो पूछा जाता है, एंड व्हाई फिशर्स इंडेक्स नंबर इज कंसिडर्ड एज आइडियल इंडेक्स नंबर। तो ये जो पूछा है 22 का क्वेश्चन, उसके अलावा बाकी के दो क्वेश्चन है वो ज्यादा रिपीट हुए हैं, तो उसके ऊपर भी आपको कंसंट्रेट करना है। और उसके साथ साथ हमारे पास टाइम रिवर्सल टेस्ट, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट भी है, उससे रिलेटेड एग्जांपल्स, थियरी, पूरा सेशन हमने वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया है। हमारे स्टेटिस्टिक्स 4 के प्लेलिस्ट में आप उसे ऑब्जर्व कर पाओगे। फिलहाल जो 10 मार्क्स में लास्ट ईयर पूछा गया था क्वेश्चन, वो यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है, जिसमें उन्होंने हमें पूछा है कि फाइंड डॉर्बिश, बाउली, फिशर एंड मार्शल एजवर्स इंडेक्स नंबर। अब इन सभी के लिए हमें नॉर्मली सिग्मा P1Q0, P0Q0, P1Q1 एंड P0Q1 की जरूरत रहती है। यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट है कि एक्सपेंस दिया हुआ है, बेस ईयर को हम कहेंगे तो उसका एक्सपेंस P0Q0 को आ जाएगा, क्वांटिटी को हम Q0 कहेंगे, करंट ईयर के एक्सपेंस को P1Q1 एंड उसकी क्वांटिटी को Q1 कहेंगे। यानी प्राइस मिसिंग है, सिग्मा P0Q0 हमें हेल्प जरूर करेगा अभी, क्योंकि वो हमें फॉर्मूला में चाहिए। सिमिलरली सिग्मा P1Q1 भी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा जो बाकी बचे उसे हमें ढूंढना होगा, और उसके लिए हमें खास ढूंढना पड़ेगा प्राइस, एंड प्राइस इज नथिंग बट वी विल एक्सप्लेन इट एज एक्सपेंस डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, ठीक है, जो कि होगा हमारा P0। एंड सिमिलरली हमें प्राइस P1 चाहिए, तो वो भी उसी तरह से हम एक्सपेंस जो है उसे डिवाइड करेंगे बाय क्वांटिटी, ठीक है, तो वो होगा हमारा P1। एंड लास्ट में फिर हमें फॉर्मूला में दो प्रोडक्ट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, तो वो भी हम ढूंढ लेंगे, वो होगा हमारा P1 विथ Q0, P0Q0 है, P1Q1 है, तो हमें चाहिए होगा लास्ट में P0Q1। तो उन दोनों के लिए हमें प्राइजेस की जरूरत है बच्चों, तो यूज करते हैं कैलकुलेटर, ढूंढ लेते हैं। सो 78/26, सो दैट इज 3, दिस इज 8, दिस इज 6, 10, 4, सिंपली आप कैलकुलेट कर सकते हो। इसके टोटल की आवश्यकता है तो वो मैं कर लेता हूँ, क्योंकि वो हमें बाद में चाहिए होगा। तो इसका टोटल हमें मिल रहा है 348। सिमिलरली दूसरा टोटल भी हम कर लेते हैं, ये हमें मिल रहा है 620, जिसकी जरूरत पड़ने वाली है। अब सिंपली डिवाइड करेंगे, तो 4, 10, 9, 12 एंड 5, तो ये प्राइजेस मिल चुकी है। हमें चाहिए P1 विथ Q0, सो कैलकुलेटर का थोड़ा सा इस्तेमाल, 26 P1 विथ Q0 इंटू 4, दैट इज 104, P1 विथ Q0 यानी दिस इज 150, 12 इंटू 9, 12 into 5 एंड 7 into 5, तो ये हो जाएगा हमारा सिग्मा P1Q0, जिसका टोटल हम कर लेते हैं, तो ये होगा 457। सो अब आखिरी चाहिए हमें P0 विथ Q1, 30 into 3 यानी दिस इज 90, 20 into 8 160, 15 into 6 136, तो ये हो जाएगा हमारा सिग्मा P0Q1। तो ये हमें मिलेगा 476। तो बच्चों पहला जो काम है वो टेबल का तो रेडी हो चुका है, अब हमें जो पूछा गया है वो है फिशर्स इंडेक्स नंबर। तो फिशर्स इंडेक्स नंबर डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हो, या लास्ट पेयर पाशे की वैल्यू ढूंढ सकते हो, पाशेज इंडेक्स नंबर, लास्ट पेयर इंडेक्स नंबर फिर भी आप कर सकते हो। सो इट इज सिग्मा P1Q0 अपॉन सिग्मा P0Q0
इंटू सिग्मा पी वन क्यू वन अपॉन सिग्मा पी जीरो क्यू वन। खास ध्यान रखना है स्क्वायर रूट के बाहर रखना है आपको 100, ठीक है। तो वैल्यू रख देते हैं हम सिंपली, पी वन क्यू जीरो हमारे पास है 457, पी जीरो क्यू जीरो इज 348, पी वन क्यू वन इज 620 एंड पी जीरो क्यू वन है 476। इंटू हम करेंगे 100, कैलकुलेटर का प्रॉपरली इस्तेमाल करना है ताकि कोई गड़बड़ ना हो जाए, ठीक है। सीधा आंसर आप लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, डिवाइड करके 457, 348, 620 एंड 476। सो 1.71 17049 आ रहा है, उसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। इनटू मैं करूंगा 100, तो दैट विल बी 130.78। तो आंसर हमें मिल रहा है 130.78। तो ये हमें मिल गया फिशर्स इंडेक्स नंबर। अब हमें चाहिए डॉर्बिश बाउलीज इंडेक्स नंबर, ठीक है। सो दूसरा काम, जिसे हम आईडीबी कह सकते हैं, तो डॉर्बिश बाउली जी ने क्या कहा किया था, उन्होंने एवरेज निकाली थी, जो अभी हम ज्योमेट्रिक मीन निकाल चुके हैं। आप लास्ट पेयर पाशे का इस्तेमाल भी कर सकते हो सीधा ही। तो वही जो काम हमने आगे किया था, सिंपली वही काम आपको करना है, खाली ऐड करना होगा रेशियो ढूंढ के। फिर सो सिंपली हम कर देते हैं इसका डिवीजन, 457 अपॉन 348 620 डिवाइडेड बाय 476 डिवाइडेड बाय 2 इनटू 100। सो डिवाइडेड बाय 2 इनटू 100 करेंगे, सो दैट विल बी 130.78 79 कह सकते हैं। सो दिस इज डॉर्बिश बाउलीज इंडेक्स नंबर। एंड फाइनली मार्शल एजवर्स इंडेक्स नंबर भी पूछा गया है हमें यहाँ पे। तो मार्शल एजवर्स इंडेक्स नंबर में ज्यादा कुछ है नहीं, पी वन क्यू जीरो प्लस क्यू वन, नीचे हम लिखते हैं ऐसे सिग्मा पी जीरो क्यू जीरो प्लस क्यू वन इंटू 100। टेक्निकली जो है पी वन क्यू जीरो, अब सीधा फॉर्मूला भी लिख सकते हो, इस तरह से याद रखोगे तो फॉर्मूला में गड़बड़ कभी नहीं होगी। तो वही वैल्यूज जो है अभी हमने रखी, उनको पहले न्यूमरेटर न्यूमरेटर को प्लस करेंगे, उसी तरह से डिनोमिनेटर को भी प्लस करेंगे और आंसर हमें मिल जाएगा। सो 457 प्लस 620 1077 डिवाइडेड बाय 348 एंड 476 दैट इज 824। तो रेशियो निकाल लेते हैं, 130.7 आ रहा है इसका फाइनल आंसर। तो बच्चों ये तीन इंडेक्स नंबर्स हमें यहाँ पे पूछे गए थे, जिसमें खास ध्यान रखना है एक्सपेंस दिया जाए, या तो वो क्वांटिटी देंगे या तो प्राइस देंगे, तो उस हिसाब से आपको दूसरी वैल्यू ढूंढ लेनी है। फिर नेचुरली कुछ भी पूछे, लास्ट पेयर पाशे ही बाकी रहे वो भी पूछ सकते थे। यहाँ पे भी अगर आप चाहो तो लास्ट पेयर जी का इंडेक्स नंबर आई एल आई पी ढूंढ लो पहले, फिर सीधा आई एफ इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आई एल इंटू आई पी भी कर सकते हो। डॉर्बिश बाउली में आई डी बी इज इक्वल टू आई एल प्लस आई पी बाई टू भी कर सकते हो, वैसे भी चलेगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने सीधी फॉर्मूला यूज की है, तो उस तरह से आप अच्छे से काम कर सकते हो। तो बच्चों 2022 में ये एक ही क्वेश्चन पूछा है, इसके अलावा भी बहुत मेथड्स है, फैमिली बजट मेथड है, अलग अलग मेथड्स के एग्जाम्पल है, सभी आप एक्सेस कर पाओगे हमारे यूट्यूब चैनल में। अच्छे से प्रैक्टिस करिए, बाद में मैं 2019 के एग्जाम्पल्स भी करवाऊंगा, पेपर सॉल्यूशन उसका भी हम ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है बच्चों चौथा यूनिट यानी फोर्थ यूनिट में हम जाने वाले हैं, जो कि है हमारा टाइम सीरीज। तो बच्चों आज के सेशन में हम यहाँ तक का काम रखेंगे,
लेक्चर्स को रेडी करिए, तैयार करिए, चैप्टर अच्छे से तैयार करिए और बहुत ही अच्छा रिजल्ट लाने का ट्राई कीजिए, ठीक है? तो यहाँ तक रखेंगे, जय माता जी, थैंक यू एंड टेक केयर। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड प्रेस बेल आइकॉन फॉर नोटिफिकेशंस।